10 साल भी आप इसको पहनेंगे तो बिल्कुल ऐसे निकलेगी नई की तरह। और अगर आप इतनी देर तक अगर रेक्सिन पे लगाएंगे तो ऐसे गिरेगा जैसे पानी, पानी की तरह टपक टपक नीचे गिर जाएगा। ओरिजिनल लेदर की पहचान है, देख रहे हैं आप, इतनी देर में तो रेक्सिन में इतना बड़ा होल हो जाएगा जलने के बाद। ये लाइट वेट है बहुत। इस जैकेट को हम ये देखें, अरे एक हाथ में हमारी जैकेट आ गई। सही है, अब पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करेगा क्योंकि गोरे इसकी वैल्यू को समझते हैं। सही, क्योंकि जितना ये नरम होगा और उतना पहनने के बाद ये अपने आप को ऐसे फील करेगा जैसे मैंने शर्ट पहन ली। जितना भारी होगा तो जब आदमी पहनेगा ना तो उसके जो ये शोल्डर वो थोड़ा सा गिरेगा, थकेगा, थकन अच्छा। महसूस करेगा। ये भी शिप में बनी हुई है, बड़ा अच्छा डिजाइन जी, ये भी अच्छा डिजाइन है, बफ कहलाता है ये, व्हाइट तागे से बनती है, खूबसूरत बहुत नजर आती है। बहुत मजा। इसमें कितने कलर है? इसके अंदर 3 कलर है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजाइन है। और ये इटली का डिजाइन है, हम इटली में काफी हमने माल दिया है और जो शो लगता है तो भी हम लगाते हैं ना। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। ये जो जैकेट है काउ में बनी भी है, ठीक है, और फ्लेवर इसका नाम है फ्लेवर जैकेट ना, फ्लेवर। अब अगर इसको हम ऐसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये कैप भी इस्तेमाल करेंगे, हुडी भी है जी, हुडी भी है ना। और जब हुडी अगर निकालना चाहेंगे तो ये जिप लगी हुई है और इस हुडी को हम बिल्कुल पूरी हुडी निकल जाएगी और जैकेट बिल्कुल अलग हो जाएगी। बोर्ड में ये स्वीट है और स्वीट जो है बहुत जबरदस्त स्वीट है, ये सॉफ्ट हो जी, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट। आप देखें कितना सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट है, ओरिजिनल ओरिजिनल माइनस के हिसाब से जी, माइनस के लिए। अभी देखें अंदर हमने इसको फर लगाई हुई, ये देखें ये फर है, ऊपर हमने लेदर लगाया हुआ है। ये देखिए बस्केट टॉप, ये भी कैमल कलर के अंदर है। ये देखें आप ब्लैक में, 5 साल के बच्चे की है हमारे पास, 10 साल की भी है, 12 साल की भी है, 2 साल के बच्चे की भी मिल जाएगी। अच्छा, कितने साल कितने उम्र के तकरीबन? ये तकरीबन ये देखें लेडीज के अंदर, ये मैरून कलर के अंदर बनी हुई है, ये ओरिजिनल में, ये लेदर में बना जी, जी ओरिजिनल में बना। लॉन्ग कोट, लॉन्ग कोट भी है हमारे पास, ये देखिए 2 बटन कोट बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर से अरीना डिज़ाइन में, ये पैनोरामा सेंटर में सबसे बड़ा माशाल्लाह इनका वेयर हाउस है। यहाँ पे आपको तकरीबन एक ही छत तले है ना तकरीबन लेदर की तमाम प्रोडक्ट मिल जाती है, खास करके जैकेट्स, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, या फिर बच्चों के लिए भी अगर आपने चाहिए वैरायटी से वो भी माशाल्लाह मिल जाती है। और माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी अपनी है, हमने इससे पहले उसका भी विजिट करा चुके हैं आपको, औरंगटाउन में माशाल्लाह इनकी फैक्ट्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इन्हीं की बनाते हैं, उसकी वजह यही कि एक ही जगह आप जब आएँ तो इतनी अच्छी आपको कलेक्शन मिल जाए, मुनासिब चीज़ भी मिले और क्वालिटी वाइज मेन चीज़ होती है क्वालिटी, तो क्वालिटी वाइज भी आपको ज़बरदस्त वैरायटी मिलने वाली है यहाँ पे। तो हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप अपना तारुफ भी करा दें थोड़ा सा। जी मैं अरीना डिज़ाइन का मालिक हूँ जी, और मेरा नाम है मोहम्मद असलम कियामखानी। ठीक, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे आपका क्या क्या वैरायटीज है इस दफ़ा? मेरे पास वैरायटी के अंदर आपको लेडीज जैकेट भी होगी, जेंट्स जैकेट भी होगी, लॉन्ग कोट भी होगा और 3/4 भी होगा, इसके अलावा वास्किट भी होगी, और लेडीज पर्स है, जेंट्स पर्स है, वॉलेट है, बेल्ट है, आपको काफी वैरायटी मिलेगी। ये समझ लो कि कराची के अंदर इतना बड़ा शोरूम आपको कहीं नहीं मिलेगा माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि ये पूरी दुनिया में ये माशाल्लाह जो डिलीवर कर रहे होते हैं तो एक्सपोर्ट भी है इनकी और अमेज़न के थ्रू भी जो दुनिया भर में पहुंच रही है माशाल्लाह, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, तो ये जबरदस्त एक बात है कि भाई पाकिस्तानी आपको दुनिया में जगह जगह मिल जाएगी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए जरा क्या प्राइस होने वाले हैं, कि स्टार्टिंग प्राइस क्या चल रहे हैं एक अच्छी जैकेट के अगर देखा जाए तो मार्केट में? देखिए प्राइस जो है ना असल में आज से 2 साल पहले और अब में बहुत फर्क है, ठीक, क्योंकि जाहिर है कि डॉलर जो है 180 में था और फिर उसके बाद 300 तक पहुंचा, वापस 280 का हो गया जी जी। तो इसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो होता है जर्मनी का, इम्पोर्टेड होता है, तो जाहिर है कि वो उसके हिसाब से आता है डॉलर के हिसाब से, तो इसलिए उसकी प्रोसीजर जो है इसका सारा अच्छा जी केमिकल का वो बाहर से आते हैं। इसके अलावा देखिये बिजली भी महंगी हो गई, इसके अलावा गैस भी महंगा हो गया, मजदूरी भी महंगी होगी, तो इसलिए इसके फिर प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने कस्टमर के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आइटम रखते हैं साल में कि जो हजरत इसको यानी नहीं खरीद सकते हैं, उसके पहुंच से दूर है, जी जी, तो हम सोचते हैं कि चलो जी एक डिजाइन में हम पैसे नहीं कमाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे भी होगा जी, हम इस डिजाइन में पैसे नहीं कमाएंगे और इस डिजाइन के लिए हम अपने कस्टमर के लिए सही प्राइस रखते हैं, तो वो तकरीबन 6,500 रुपए में होगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ए क्वालिटी भी है, बी भी है, सी भी है। अगर बी होगी तो आपको 6,500 की मिलेगी, ए होगी तो आपको 7,000 की मिलेगी। अच्छा, यानी कि जो मार्केट में 4,000 रुपए की जैकेट जो मिल रही है वो क्या है? देखिए 4,000 की जैकेट आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसलिए कि वो एक रीप्रोसेसर है। अच्छा अच्छा, ये जो हमारा हाजी कैंप है तो यहाँ मिलता है पुराना लुंडा का माल जिसको बोलते हैं, ठीक हो तो गया। वो लेने के बाद क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसकी धुलाई करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वापस उसको स्प्रे करते हैं,
अच्छा जब स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मैरून कलर, ग्रीन, रेड सब पे उबले करते, ठीक हो गया। जब वो बारिश होती है कभी पहनते हैं तो मालूम दे रहा है कि वो पैंट उसकी खराब हो गई, शर्ट खराब हो गई और अंदर से जो कुछ और कलर निकल रहा है, सही हो गया। तो ये रीफिनिश जो है आपको 4000 में मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं इस रीफिनिश के हक में नहीं, मैं नहीं रखता, ठीक है। मैं अपनी दुकान में कोई भी आप देख ले, कोई भी कस्टमर आ जाए, मैं रीफिनिश नहीं रखता, फ्रेश लेदर होगा सारा, फ्रेश लेदर होगा। और दूसरी बात, एक तो रीफिनिश हो गई, दूसरी रीफिनिश एंड फिनिश, यानी जो फ्रेश और रीफिनिश को मिक्स करते हैं। अच्छा, अब मैं उसकी मिसाल बताऊं आपको जैकेट की, कि जैसे ये जैकेट है देखें आप, अब इसका जो बाकी हिस्सा जो कट और डिजाइन होगा तो वो तो रखेंगे उसके अंदर रीफिनिश में। अच्छा। और ये जो स्लिप्स है इसकी रखेंगे फ्रेश में, मिक्स माल, मिक्स माल में। अच्छा। तो वो आपको मिल जाएगी जनाब 5000 में, 5500 में। फ्रेश लेदर में नहीं मिल सकती, यानी फ्रेश में नहीं मिल सकती। अगर कोई बनवाना चाहे तो जब भी नहीं बनवा सकता, वो बनवाना चाहे जब भी नहीं बन सकती। अच्छा, गारंटी के साथ? गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी है, तो जी फिर लोगों को बेनिफिट भी दे रहे हैं नहीं दे रहे आप? नहीं, बेनिफिट दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं? देखे ना कि जब मैं 7000 की अगर दे रहा हूँ जी जी, और 6500 में दे रहा हूँ, तो इसीलिए बेनिफिट उनके लिए, ठीक है भैया। और दूसरी बात है कि मैं बहुत पुराना काम करने वाला हूँ, मेरे वालिद साहब जो थे ना, बल्कि मेरे दादा, दादा से 1932 के अंदर इंडिया में काम करते थे लेदर का। अच्छा, 1932 से वहां से, फिर 1947 में मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आए, आने के बाद कुछ अरसे के बाद फिर उन्होंने लेदर का काम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। अच्छा। मैंने तकरीबन किया तकरीबन 75 में, 75 में, सही सही। उसके बाद मेरा बेटा कर रहा है, आसिफ है, आमिर है, जी जी जी। तो हम यानी नसल दर नसल, दर नसल ये लेदर का काम हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि नसल दर नसल कर रहे हैं और असली चीज दे रहे हैं लोग, असली चीज दे रहे हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी रीफिनिश भी नहीं बनाते हैं जी जी। और फ्रेश और रीफिनिश को मिक्स करके भी नहीं बनाते, ठीक हो गया। तो लेदर में कितने कलर जो चल रहे हैं, क्योंकि दौर जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो फिर वैरायटी भी चेंज होती आ रही है। काफी कलर है इसके अंदर, बहुत कलर है, आपको 15-20 कलर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। डार्क ब्राउन मिलेगा, लाइट ब्राउन मिलेगा, मैरून मिलेगा, ग्रे मिलेगा और कैमल कलर मिलेगा, काफी कलर है, ठीक है। और कलर की कोई हद नहीं है। अच्छा, कोई कैद नहीं है ना, कोई हद नहीं है। जी बाकी जी। ये कि इसकी लाइफ कितनी होती है, अगर आप फ्रेश लेदर कोई ले लेता है तो कितने साल उसके निकल जाएंगे आराम से? देखिए जी, अगर सही फ्रेश लेदर होना तो 10 साल भी निकल सकता है। हाँ, 10 साल भी आप इसको पहनेंगे तो बिल्कुल ऐसे निकलेगी नई की तरह। अच्छा। लेकिन इसका रखने का तरीका, ठीक है, देखिये आपने इस्तेमाल किया दरवाजे पे, आपने कहीं टांग दिया साल भर के बाद और 6 महीने बाद निकाल ले तो खराब होगी। खराब, उसका तरीका ये है कि आप सर्दी में पहने और जब इसको आप सोचेंगे अब सर्दी खत्म हो गई है तो पेट्रोल में जली आती है ना, वो ले और उस पर आप लगा दें उसको चारों तरफ से, सही है। लगा लगाने के बाद उसको पैक करके थैली में रख दें, इंशाल्लाह जैसी रखी थी साल के बाद वैसी निकलेगी वैसे, और इस तरह से आप 10 साल तक जैकेट के लिए निकाल लोगे। चलो ठीक है, फिर वैरायटी इंशाल्लाह हम दिखाते हैं, कवर करते हैं बहुत सारी वैरायटी। अच्छा, सबके तो प्राइस हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये कि जितना हो सकेगा आपको दिखाते हैं और आप यहाँ पे आए विजिट करें और इंशाल्लाह एंजॉय करें। बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग तो इतनी भरपूर है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो सर यहाँ का एड्रेस भी थोड़ा व्यूअर्स को बता दें, शॉप का आपके? ये पैनोरमा सेक्टर सदर कराची और एट्री मॉल के साथ है, ये बहुत मशहूर मार्केट है, फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे आप जीने से ऊपर, जैसे आप सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है दुकान यानी फ्रंट में जब पड़ेगी तो अरीना डिजाइन के नाम से, अरीना डिजाइन के नाम से आपको मिल जाएगी जी। आजकल वैसे टाइमिंग वगैरह क्या चल रही है, संडे वगैरह ओपन है? हाँ, संडे भी इंशाल्लाह जो है, इस पहला संडे जिसमें मैंने ओपन की थी, और इंशाल्लाह फरवरी तक जो मैं संडे को ओपन रखूंगा, ओपन रखेंगे। वैसे वो टाइमिंग क्या चल रही है? टाइमिंग संडे से इंशाल्लाह हम 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रखेंगे। वैसे आम दिनों में जो है हम वो तकरीबन 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। अच्छा ठीक है, बाकी जो डिलीवरी का तो मैंने खैर बता दिया, पूरी दुनिया में कर रहे हैं जी जी, ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं, मसला नहीं आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो इंशाल्लाह। सर तो फिर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए ये जो जैकेट है ये आप देखें, ये वाली, ठीक है जी जी, ये हम आपको देंगे 6500 में, 6500 में दे देंगे। अच्छा ये जो है बी क्वालिटी की ना, अब आए हम ए क्वालिटी की, इसी में से दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी ब्लैक होगी, सही हो गया। ये देखें, अच्छा ये क्वालिटी, ये होगी 7000 की, ये 7000, ये खास जी जी 7000 की। लेदर कौन सा है? ये भी शिप लेदर है, वो भी शिप लेदर है। अच्छा, फर्क क्या है दोनों? फर्क ये है कि वो बी सी है, ये ए बी है। चलो ठीक है, ये होगा इसमें, यानी कि कलर्स और मिल जाते हैं? कलर मिल जाते हैं, कलर देखें इतने सारे कलर लगे हुए, ठीक है ये कलर लगे हुए, ये इसमें आप जिस तरह से आप कलर में जाएंगे ना तो महंगी हो जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे। जी हाँ, इसकी 14000 रुपए है। जैसे ये कलर है, ये फैंसी कलर है, ये असल में जब क्रस्ट में जब जाते हैं हम इसको छाटी करके और जब इसको कलर बनाते हैं उसके लिए अच्छा माल चाहिए होता। अच्छा जी हाँ, तो ये
14,000 रुपए की। 14,000 जी हाँ, ये कलर है, ये भी 13,000-14,000 रुपए की डिजाइन का। ये कलर है आपने हमें दिखाई 7,000 वाली। जी जी, तो ये डिजाइन वही है, डिजाइन वही है, लेकिन कलर दूसरा है, लेदर दूसरा, लेदर भी दूसरा है। जी जी, लेदर का फर्क होता है, लेदर का फर्क बात यही है। ठीक हो गया। और आजकल ये कौन सा डिजाइन वैसे ज्यादातर कुछ लोग पसंद कर रहे हैं? ये P1 ज्यादा डिजाइन जो है वो ज्यादा सिंपल है, सिंपल जो है। जी हाँ, P1। अच्छा, इसका वेट वगैरह कितना होता है? लाइट वेट इसका तकरीबन 1 किलो के अंदर होता है। अच्छा, ठीक है। बाद लोग जो है उनका कॉन्सेप्ट भी होता है ना कि हेवी होगी, भारी होगी, तो हाँ, वो असल, ज्यादा। जी जी, असल में जितना भारी होगा तो जब आदमी पहनेगा ना तो उसके जो ये शोल्डर वो थोड़ा सा गिरेगा, थकेगा, थकन अच्छा, महसूस करेगा। अच्छा अच्छा, तो जितना वेट होगा उतना वो महसूस। अच्छा, लेदर जो होता है उसका वेट कम होता है ज्यादा? किसका? अच्छे लेदर की। अच्छे लेदर का वेट कम होता है? कम होता है। जी जी, अच्छा ठीक हो गया। तो और कुछ दिखाया हुआ वेस्ट को? ये देखिए वेस्ट के टॉप। अच्छा, ये भी मिल जाए, ये भी कैमल कलर के अंदर है। ठीक है, तो इसके प्राइस रेंज क्या होती है? इसकी प्राइस जो है तकरीबन 11,000 है इसके, लेकिन हम 10 तक दे देते हैं इसके ना। अच्छा, इसके अलावा ब्लैक में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें आप ब्लैक में। ठीक हो गया, ये भी मिल जाए ब्लैक में। ये देखें आप, ये ब्लैक में कितने की पड़ेगी? ये ब्लैक में पड़ेगी तकरीबन 8,000 की पड़ेगी। 8,000 की पड़ेगी। तो अगर कोई हमारा रेफरेंस आएगा तो कुछ ना कुछ उसको दे देंगे डिस्काउंट, जिस तरह आसिफ भाई भी कहते हैं कि हाँ भाई कुछ कर देंगे, इंशाल्लाह मसला नहीं है, कुछ कर देंगे अगर आपकी रेफरेंस से, ये रेफरेंस से आएंगे तो इंशाल्लाह करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। और ये डिजाइन जो रखे हुए इनके भी थोड़ा बता दें, अलग डिफरेंट कलर है। जी जी, ये जो है ये भी जो है तकरीबन 14,000 रुपए की जैकेट है। अच्छा जी, किस में बनी हुई है? ये भी शिप में बनी हुई है। ठीक है। और ये जो यानी ये गोल्डन कलर है ना, ये कलर असल में जितना कलर ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा उसके अंदर खर्चा आता है बनाने में, कलर महंगा कलर में। और इसकी जो जी जब हम इसकी सिलेक्शन करते हैं ना यानी क्रश में, तो इस अच्छा क्रश निकालना पड़ता है कलर के लिए। सही हो। फिर जो डार्क कलर होगा जैसे डार्क ब्राउन है उसके लिए थोड़ा सा हल्का, फिर ब्लैक उसके लिए थोड़ा हल्का सा, तो ये चमड़ा वाला या लेदर वाला ही समझ सकता है कि क्रश में किस तरह से ए बी सी डी हमें निकालना है। आम पब्लिक को नहीं, या आम पब्लिक को नहीं पता होगा। अच्छा, ये वाला डिजाइन जो है ये भी बड़ा अच्छा डिजाइन लगा। जी, ये भी अच्छा डिजाइन है। और ये जो है किस में बना हुआ? ये भी बना हुआ जी जी शिप में ही बना हुआ भी। अच्छा, इसमें टेक्सचर दिया गया है, इसमें ये कोई खास? हाँ, ये असल में बफ कहलाता है ये। अच्छा हाँ, बफ टेक्सचर दिया हुआ इसमें, क्योंकि ये व्हाइट तागे से बनती है और खूबसूरत बहुत नजर आती है, बहुत लंबा। इसमें कितने कलर्स हैं? इसके अंदर 3 कलर हैं। 3 कलर, एक तो बराबर में, एक ये है, एक ये देखिए ये भी है। हाँ, ये ब्राउन टाइप का। ठीक है, ब्लैक भी इसमें मिल जाएगा? जी जी, ब्लैक में भी इसमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। देखिये ये जैकेट है। अच्छा, और ये लाइट वेट है, बहुत बहुत लाइट वेट जी। ये जब हमारे यहाँ जो फॉरेनर आते हैं ना वो इसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक हो गया। और देखें आपको मैं फोल्ड करके भी दिखाऊं कि इस जैकेट को हम ये देखें, अरे ये देखें इतनी सी एक यानी एक हाथ में हमारी जैकेट आ गई। सही है। अब पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करेगा। अच्छा, वो बोलेगा कि बहुत पतला है, ठीक है, ये फट जाएगा, ये कमजोर है। अच्छा अच्छा, गोरे इसकी वैल्यू को समझते हैं। सही। क्योंकि जितना ये नरम होगा और उतना पहनने के बाद ये अपने आप को ऐसे फील करेगा जैसे मैंने शर्ट पहन ली। ओके, वेट भी महसूस नहीं करेगा। जैसे कोई अपर पहन लिया। जी हाँ, जैसे कोई अपर पहन लिया। सही सही, जबरदस्त। अच्छा हो गया। ये देखें आप, वाकई में जबरदस्त। और इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 12,000। 12,000 मिल जाए। इसमें भी कलर मिल जाएंगे? इसमें भी कलर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। फिर आगे की तरफ थोड़े देखते हैं। अच्छा, माइनस टेम्परेचर के हिसाब से भी आपके पास? हाँ, इसके अंदर हम वो लगाते हैं, फर भी लगाते हैं और एक बंडी आती है अंदर, वास्केट टाइप की आती है, जिप के साथ हम लगा के देते हैं। अच्छा, तो उसके जो अलग अलग मुख्तलिफ पैसे हैं। ठीक हो गया। जैसे मटेरियल होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो उसकी भी कुछ वैरायटी दिखा? जी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी। ठीक है, ये माइनस के हिसाब से? जी, माइनस के लिए। अभी देखें अंदर हमने इसको फर लगाई हुई, ये देखें। सही है, जबरदस्त। ये फर है, ऊपर हमने लेदर लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी काफी सारे डिजाइन, इसमें भी काफी डिजाइन है और कलर भी काफी है। ठीक है, तो ये माइनस वाले अगर प्राइस जानना चाहें तो ये किस रेंज? ये कम से कम 18,000 की होगी। कम से कम 18,000। जी जी, ठीक, क्योंकि इसमें लेदर भी अच्छा खासा लगता है। दूसरा, आप देख रहे हैं ये बहुत महंगी आइटम है ना। हाँ, अच्छा, मैं इसके अलावा शीप भी आप लगा के देते हैं ना किसी के, कुछ जैकेट में शीप वगैरह भी? हाँ, शीप के भी अगर बोलते हैं ना, शीप भी लगाते हैं, फिर वो काफी महंगी पड़ती है ना, वो 22,000 की तकरीबन पड़ती है। शीप के हम लगा देते हैं।
ये जो जैकेट है काउ में बनी भी है, ठीक है, और फ्लेवर इसका नाम है फ्लेवर जैकेट ना, फ्लेवर अब जैकेट। अगर इसको हम ऐसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये कैप भी इस्तेमाल करेंगे, हुडी भी है, जी हुडी भी है ना, ठीक है। और जब हुडी अगर निकालना चाहेंगे तो ये जिप लगी हुई है और इस हुडी को हम बिल्कुल अच्छा रिमूव भी कर सकते, मूव कर सकते हैं, ठीक है, पूरी हुडी निकल जाएगी और जैकेट बिल्कुल अलग हो जाएगी, सही हो गया। ये काओ में आपने बताया, जी जी काओ में, ये तो ये माइनस में भी यूज कर सकते, ये माइनस में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी क्या प्राइस रेंज है? इसके 18,000 है, ये 18,000, ठीक है। ये है स्वीट लेदर में, स्वीट लेदर, स्वीट जो है वो यानी बकरी में बनती है, वैसे हम बकरी बोलते हैं ना, गोड में तो गोड में ये स्वीट है और स्वीट जो है बहुत जबरदस्त स्वीट है, ये सॉफ्ट हो जी, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट, आप देखें कितना सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट है, ओरिजिनल ओरिजिनल, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, एक ही आर्टिकल या काफी और भी मिल जाते हैं इसमें डिजाइन वगैरह? असल इसमें आर्टिकल तो खत्म हो गए इंशाल्लाह, फिर अभी और माल नया आएगा तो मरेंगे, बाकी मैक टू ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। हाँ जी, मैक टू ऑर्डर भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस स्वीट लेदर में बनाते हैं तो इसका फर्क कितना आ जाता है? ये वही रेट पड़ता लेदर में, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। बाइकर जैकेट कहलाती है जी जी, ये आप देख रहे हैं कितने डिजाइन है ना, 1, 2, 3, 4, 5 डिजाइन है। तो इसके अंदर जो है ये आप देखें, हाँ, ये भी बाहर का मतलब डिजाइन है, अच्छा जी हाँ, ठीक है। और ये इटली का डिजाइन है, हम इटली में काफी हमने माल दिया है और जो शो लगता है तो भी हम लगाते हैं ना, अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। ये जी 15,000 की जैकेट है, ये 15,000 की मिल जाएगी, ठीक है। इसमें सारे पांच डिजाइन, पांच कलर, कोई भी जी जी कोई भी कलर, इसमें मैरून कलर है, गोल्डन कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है। तो ये जो इसका लेदर है थोड़ा ठीक है, ये जी जी ऐसा ही होता है, रखना पड़ता है। असल में ये काउ में बनी हुई, काउ में बनी, आशिप में नहीं काउ में, तो इसी तरह ये थोड़ी सी महंगी है। ओके ठीक हो गया। काउ लेदर जो है शीप लेदर से महंगा होता है? जी काउ महंगा होता है, अच्छा महंगा भी होता है थोड़ा, शीप से हार्ड भी होता है थोड़ा ना, अच्छा हाँ, शीप जो होता है थोड़ा नरम होता है और काउ जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब जिसको सॉफ्ट पहनना है तो वो शीप में ले ले, जिसको हार्ड पहनना है तो काउ में ले ले, काउ में ले ले, ठीक हो गया। उससे कोई उसका तो टेम्परेचर का फर्क होता है कि जैसे काउ ज्यादा गर्म होती है, कॉन्सेप्ट है? नहीं देखो, हम अस्तर के अंदर 100 ग्राम की जो है ना ओलंपिक की रुई लगाते हैं ना, अच्छा ठीक है, तो वो शीप वाले में भी जो है उसमें भी हम लगाते हैं। अगर कोई मरी के लिए लेके जाता है तो फिर हम कहते हैं आप इसमें जो है ना अंदर इसके या तो आप फर लगवाएं या फिर ये कि इसमें मंडी लगवाएं बस, अच्छा ठीक हो। और ये सामने भी मिल जाएंगे ग्रीन वाली जी जी नजर आ रहा है, ये भी बाइकर ही है? हाँ जी बाइकर, ये भी सब ऑनलाइन के पीस है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो इनके जो बच्चों की जो वैरायटी है, अगर आपके कितने स्टार्ट ये भी हमारी P1 है जो हम बड़े बनाते हैं, बड़ों के लिए जो जैकेट बनाते हैं, वही पैटर्न है ये भी, वही पैटर्न जी जी। कितने साल कितने उम्र के तकरीबन ये? तकरीबन 12-10 नहीं नहीं, ये छोटे की छोटा है जी, 5 साल के बच्चे की है हमारे पास, 10 साल की भी है, 12 साल की भी है, 2 साल के बच्चे की भी मिल जाएगी। अच्छा, 2 साल से लेके आपको फिर जितना हो। जी हाँ जी हाँ जी मसला ही जी जी। तो कितने क्या प्राइस स्टार्ट है इनके? इसके देखिए फ्रेश के अंदर इसके कम से कम 4,000 रुपए, ये 4,000 मिलेगा बच्चे आने में, ठीक हो गया। इसी तरह बाबा बेबी दोनों मिल जाएंगे? जी जी दोनों मिल जाएंगे। ये देखो बेबी का है ये, ये बेबी का जी। इसके क्या प्राइस है? इसके तकरीबन 4,500 है, ये 4,500। हम सब फ्रेश में है, कोई इसमें वो दो नंबर माल हम नहीं बेचते हैं, कोई रिफिनिश का माल नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। अच्छा देखे ना, अरीना डिजाइनिंग इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जी जी, आपको टैग मिल जाएगा, फुल ब्रांड का है, समझ लें भाई जी जी माल, ठीक हो गया। और ये कैप्स की भी सारी वैरायटी मिल जाएगी और बैग्स की मिल जाएगी, वॉलेट्स मिल जाएंगे जी जी, और हर तरह के बैग मिल जाएंगे, लेडीज बैग सब मिल जाएंगे। अच्छा ये कोट्स वगैरह भी रखे हुए हैं आपने? हाँ कोट्स भी रखे हुए मैंने। वैरायटी तो इतनी है कि क्या क्या दिखाएंगे, बहुत लॉन्ग हो जाती है ना वीडियो। अब देखिए ऑनलाइन के पीस है ये सारे हमारे, देखिए ये जरा, ये देखिए ये लेदर में नहीं, ये लेदर नहीं, लेदर ये कपड़े में बना हुआ। अच्छा कपड़े में, हाँ ऑनलाइन का जो ऑर्डर आता है ठीक है, तो हम कपड़े में भी बना देते हैं जो उनकी कस्टमर की डिमांड होती है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये भी कपड़े में बनी हुई, अच्छा कपड़े में बनी, ठीक है। बहुत डिजाइन है मेरे पास, ये देखें आप, ये देखें ये लेडीज है, ये भी कपड़े में बनी हुई, सही हो गया। और कुछ कोट की वैरायटी दिखाएंगे? ये देखिए आप, 3/4 है लेडीज के अंदर, ठीक है। तो ये क्या प्राइस के होते हैं? ये तकरीबन 5,500 रुपए के, 5,500। ये बना हुआ किस में है वैसे? मटेरियल क्या है, फैब्रिक?
फैब्रिक में बना भाई, चाइना फैब्रिक में बना हुआ, ये कपड़े में बना हुआ। अच्छा कपड़े, ये भी यानी कि गरम होता है, गरम गरम ही गरम होता। अच्छा जी हाँ, जैसे लेदर गरम है ऐसे ये भी गरम। ठीक हो गया, ये माइनस के हिसाब से लग रहा है मुझे। जी जी माइनस के हिसाब से, इसलिए इसके अंदर फर भी लगी हुई, फर भी लगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये देखें, इसमें काफी डिजाइन मिल जाएंगे। जी काफी डिजाइन मिल जाएंगे, ये देखें कलर डिजाइनिंग, ये डिजाइन देखें, लॉन्ग कॉर्ड मिल जाए। ठीक है, ये देखें आप, ये ओरिजिनल में, ये लेदर में बना। जी जी ओरिजिनल बना। ओके, ये डब्लू में बना हुआ है। तो इसके ओरिजिनल की क्या प्राइस है? इसके ओरिजिनल के प्राइस है तकरीबन 12,000 रुपये। 12,000 ओरिजिनल मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कलर रेंज है आपके ओरिजिनल वाले में? कलर मिल, इसमें ब्लैक भी मिल जाएंगे, ब्राउन भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, इसमें ब्लैक ब्राउन भी मिल जाएगा। ये मिक्स है फैब्रिक और ये सब मिक्स है फैब्रिक है इसके अंदर। तो ये कुछ आइडिया देंगे किस प्राइस का, और ये मतलब ये पहन सकते हैं सर्दियों में? हाँ ये सर्दियों में पहन सकते हैं, मोटा है अंदर, इसकी जो है वो ओलंपिया की रुई लगी हुई है इसके अंदर 100 ग्राम की। अच्छा तो इसके क्या प्राइस होंगे, कुछ आइडिया दे देंगे? ये वैसे इनके सबके अलग अलग प्राइस हैं। अच्छा अच्छा, 5,000, 7,000, 4,000 अलग अलग, जैसा डिजाइन होगा, जैसी मेकिंग होगी, जैसा पैटर्न होगा, उस हिसाब से पैसे होंगे। चलो ठीक हो। और लेडीज में कुछ? जी हाँ लेडीज में भी देख ले, लेदर में ये देखें लेडीज के अंदर, ये मैरून कलर के अंदर बनी हुई है प्यारी से। ठीक है, इसके क्या प्राइस होंगे? इसके 14,000 है, सब फ्रेश में बनी हुई है। अच्छा ठीक हो। हाँ इसमें काम काफी, इसमें जिपे वगैरह काफी लगी हुई है। और ये फैंसी में बना हुआ? जी जी फैंसी में बना हुआ। ठीक हो, लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड भी है हमारे पास, ये शेप में बना हुआ सारा। अच्छा शेप में बना, ठीक है, फुल लेंथ में? जी जी फुल लेंथ में। ठीक हो गया, और लॉन्ग कोट की क्या प्राइस है? इसकी 20,000 है। ये 20,000 में जी, इसमें भी अगर बी होगा, अगर ए होगा तो थोड़ा डिफरेंस प्राइस हो जाएंगे इसके। ठीक है, लेदर भी ज्यादा लग रहा है। जी जी ये देखिए, दो बटन कोट बना हुआ है। अच्छा कोट में, ठीक है, टू बटन कोट में मिल जाएंगी वैरायटी। तो ये कोट के क्या प्राइस है? कोट के तकरीबन 16,000 रुपए। 16,000 ये उस आर्टिकल में बना हुआ है, वैक्स में बना हुआ है। अच्छा वैक्स हुआ है। ठीक हो गया, तो फिर वेवस आप यहाँ पर आए और बहुत सारे डिजाइनिंग से हमने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है, प्राइजेस का भी आइडिया दे दिया है। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहें, ऑनलाइन जो आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे आपको डिजाइन वगैरह भी भेज देंगे।